बैटरी मैं कहते चार्ज ना करा तो मैनू चिश्ती किने कहना है। वो गल निस्बत अली है साबे काफ का कुत्ता हो ना साबे काफ का कुत्ता तो रब कुरान चे बैठने का अंदाज भी बयान करता है। नूह का बेटा ना फरमान हो तेरा फरमान है तेरी नस्ल विचों ही नहीं समझ आईया ओए असी निस्बत वाले लोग हाँ साढ़े पल्ले कोई नहीं लेकिन साढ़े साई दाडे पता आपनू आला दा कम लज पाला मंदिया नू कल लाना ए कम लज पाला कोई मदीने दा फकीर होवे कर लो ना सुभान अल्लाह जरा मूड पड़ेगा तो आड़ा भी अल्लाह ताला करम करेगा ते इमाम आली मुकाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी गल होनी है नवासा रसूल जिहड़े पूरी कायनात दे बादशाह मेरा हुसैन तो वे जिन्हें दीन भी हुसैन ने बचाया है इस्लाम नू भी हुसैन ने बचाया है कुरान नू भी हुसैन ने बचाया है कलमे नू भी हुसैन ने बचाया है। पता चलिया पूरे का पूरा दीन बचाण वाले का नाम हुसैन इब्ने अली है नवासा रसूल कौन हुसैन ओ हुसैन जिदा नाना नबियों दा सरदार होवे और जिदा बाबा वलियां दा सरदार होवे और जिदी ना अम्मा फातिमा तो ज़ारा होवे जिदा भाई जनाबे हसन अलैहिस्सलाम होण उस हुसैन दी शान ही बेमिसाल है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अज मेरी रहमतुल्लाह अलैह दी ज़बान विच बड़ियां बड़ियां मजालस दे अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अज मेरी दा कलाम पढ़िया जांदा है और मैं कहता है भी बाबा साडा ही है ए बाबा अहले सुन्नत दा ही है आई अल्लाह समझ ते ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अज मेरी रहमतुल्लाह ने हुसैन लजपाल दी बारगाह अर्ज करदे शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन हुसैन दी महफिल च आण वाले आ पढ़ ले शास्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन शास्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दीन दस्त दर दस्त ए यजी सरदाद नदाद दस्त दर दस्त ए यजी
लाइला अस्ते हुसैन हक्का के बिनाए लाइला अस्ते हुसैन और पढ़ लेना शाह अस्ते हुसैन बादशाह अस्ते हुसैन दीन अस्ते हुसैन दीने पनास्ते हुसैन नवासा रसूल जिगर गोशाए जहरा पतूर लख्त जिगर मौला अली अल मुर्तजा हुसैन लजपाल दी बड़ी शान है। हजूर दी अहले बैत दी भी शान बड़ी है। सहाबा इकराम दी भी बड़ी शान है। ताजदारे बतहा जनाबे सरवरे कायनात फखरे मौजूदात आमना दे लाल अम्मा हलीमा दे दुलारे दुखी उम्मत दे सहारे जनाब रसूल करीम ने अरशाद फरमाया फरमाया मेरी अहले बैत की मिसाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। लजपाल आका करीम ने अपनी अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह क्यों दिती? अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम नु अरशाद फरमाया एक कश्ती बना जिड़े तेरे मनन वाले उन्हां नु उस कश्ती ते सवार कर ले। जिड़े कश्ती ते सवार हो जाएंगे वो हर फितने फसाद को हर तूफान को हर मुसीबत को महफूज रहेंगे और जड़े कश्ती जो पार रहेंगे ओ तबाह बर्बाद हो जाएंगे। एक तबका राफजिया दा है एक तबका खारजिया दा है। कोई हजूर दे सहाबा दे मुनकर ते कोई हजूर दी अहले बैत दे मुनकर एक अहले सुन्नत है जिहड़ा हजूर दे सहाबा दा भी प्यार करदा है हजूर दी अहले बैत दा भी प्यार करदा है। अहले सुन्नत दा अकीदा दुनिया जहान दे अकायद दा मुताला कर ले तैनू अहले सुन्नत वर्गा कोई अकीदा नहीं मिलेगा। अहले सुन्नत दा ओ अकीदा है जिहड़ा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अकीदा सी। जनाबे अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला दा अकीदा सी। अहले सुन्नत अजमत सहाबा दा भी दफा करदे और अहले बैत दी अजमत दा भी दफा करदे। बड़े हुसैन हुसैन करने तेनू मिलणगे लेकिन उन्हां दी जबान ते सैयदा आयशा तो सदीका जिहड़ी सदीका ए कायनात है इमाम अलंबिया दी बेटी है इमाम अलंबिया दी बीवी है और सिद्दक दा जिहड़ा पैकर जनाब अबू बकर सदीक दी बेटी है उस आयशा दी शान ते मर्तबा ते मुकाम रब कायनात जी दी तहारत दी गवाही रब ताला खुद देवे उस आयशा तो सदीका दी क्या शान है। अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला सिदक दे पैकर होण कायनात दे अंदर तेनू बड़े बड़े सच्चे मिलणगे शर्क ओ गर्ब शमाल ओ जनूब दुनिया दे चमा कोने दे वेख ले बड़े बड़े सच्चे मिलणगे लेकिन सदीक जैसा कोई सच्चा कद के वखा और उमरे फारूक रजी अल्लाह ताला
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عدل دے پیکرن کائنات دے اندر بڑے بڑے عدل والے بھی ہون گے کوئی عمر فاروق جیسا عدل کٹ کے رکھا حضور دے ہر ہر غلام دی شان بندی ہے حضور دے ہر ہر غلام دی اور اہل سنت کا عقیدہ ہے جس محفل میں چلے جاؤ ویسا ہی چہرہ لگا لو نانا یاد رہنا عقیدہ ہمارے بزرگ جو ہے فرماتے ہیں بیٹے اگر چپلی پرانی ہو جائے چپلی بدل لے کپڑا پھٹ جاوے کپڑے نو بدل لے عقیدہ پرانا سیابا لے دی کے عمرے میں عقیدہ بنیاد ہے سمجھے یا نہیں اور یاد رہنا حضور نبی کریم نے اپنے صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا میری صحابہ کی مثال آسمان کے ستاروں کی طرح ہے رات کو آسمان پہ ستارے ہو تو بھائی افضل صاحب رات روشن ہوتی ہے تو پتہ چلا روشنی اور عدیب ہمیں ابو بکر صدیق کے در سے ملے گی عمر فاروق کے در سے ملے گی عثمان ذوالنورین کے در سے ملے گی اسی پنجہ نوی منڑ والے اسی بارہ نوی منڑ والے اسی تیروی والے نوی منڑ والے اسی چودوی والے نوی منڑ والے اسی حسین دوی منتہ دار اسی حسن دوی منتہ دار اسی عمر دوی منتہ دار اسی ابو بکر دوی منتہ دار اسی عثمان نبی منتہ دار تے اسی علی علی بھی کر دیا اسی علی علی بھی کر دیا امام حسین پاک اوہ استیئے جنہ نے نیزے دی نوک تے قرآن سنایا نیزے دی نوک تے قرآن سنایا اوہ حسین ابن علی مسلے تے قرآن سناو ممبر تے بیگ ہے مولی صاحب قرآن سنا دیں بستر تے بیگ ہے قرآن کی تلاوت ہون دیئے نیزے دی نوک تے قرآن سنانا اے زارہ دے لاردہ ہی کام میں کاریے کربلا دی عظمت تو سلام ہے کاری صاحب نیزے دی نوک تے قرآن سنانا ہر بندے دا کام نہیں جدی رکھا دے بیچ محمد مصطفیٰ دا خون توڑ رہا ہوئے وہ ہی نیزے دی نوک تے قرآن سنا سکتا ہے اے کاری کربلا تیری عظمت کو سلام ہے اے کاری کربلا تیری جرات کو سلام ہے حسین آخری بات کر کے میں آنا ذرا تھوڑا بول تھوڑا جا پڑھا لے وہاں پھر نات خوانہ نو بلائیے دسا منٹر داکھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین ابن علی علیہ السلام بچ بندہ آپ دا دورے مسجد نبوی شریف ہے کمری والے آقا کریم نماز دی حالت وچ اللہ دے پیارے محبوب نے سر اپنا سجدے وچ رکھیا ہویا ہے اللہ وحدہ لا شریک دی عبادت کر رہے ہیں تھوڑی دیر ہوئی شہزادہ جناب امام حسین بچے سن آندے حضور تے کندھیاں تے چڑھ گئے نبی کریم تے کندھیاں تے چڑھ گئے حسین ابن علی اوہ جنہ نے حضور تے کندھیاں تے جنہ نے نبی علیہ السلام دے مورے نبوت تے بین والے حسین تے حسن امام حسین پاک آگے کندھیاں تے سوار ہو گئے نا وہ تو رب کائنات دا حکم آ گیا رب کائنات نے فرمایا جبریل نے عرض کی یا رب جلیل حکم ہو گئے رب کائنات نے فرمایا جا میرے محبوب کو ٹھل جا جبریل حضور دی بارگاہ میں چاہیا تے عرض کی تھی سوڑیا جنی دیر تک حسین کندیاں تو زمین تے نہیں آن دے تسی تسبیحاں بتا دو
नबी करीम ने सजदे विच एक नहीं दो नहीं दस नहीं हाजी साहब 72 तस्बीहां हजूर ने सजदे विच गुजारी 72 तस्बीह उन्नी देर तक इमामे हुसैन पाक हजूर के कंधियां तो जमीन ते आ गए ते हजरत इमाम हुसैन पाक ने अपने नाना की बारगाह विच अर्ज की नाना जी नमाज के अंदर तुसी मेरे नाज उठाए मैं हुसैन इब्ने अली हाँ मैं ज़हरा दा लाल हाँ हजूर तुहाडे गोदी दे विच मेरी परवरिश होई है मेरी परवरिश करने वाला इमाम उल अंबिया है तुसा सजदे दे विच 72 तस्बीहां अदा कीतियां सजदे दे विच ते इक वेला आएगा करबला दे विच हुसैन मदीना छोड़ के करबला जाएगा और उत्थे यजीदियां दे मुकाबले तन तना हुसैन खड़ा हो जाएगा आख्या नाना ए पाक तू सजदे विच 72 तस्बीहां अदा कीतियां मेरे नाज उठांदे होयो ते मैं करबला विच 72 कुर्बान कर देवांगा फरमाया 6 महीनियां दा अली असगर भी कुर्बान कर देवांगा 14 साल दा शहजादा अली अकबर भी कुर्बान कर देवांगा और भैन ज़ैनब दे 2 लाल ओनो मुहम्मद भी कुर्बान कर देवांगा फरमाया हज़रत अब्बास से बाजू भी कलम करवा देवांगा अपना सर नेज़े ते टंगा देवांगा सजदे दे विच सिर अपना तन दे नालो जुदा कर देवांगा मेरे साथिया बड़िया बड़िया इस्लाम दस्तान करबला दी दस्तान पढ़ ले वाह हुसैन तेरी अजमत तू कुर्बान है हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने एक अपनी राह विच कल्ला दी राज कुर्बान करना कीता ते मुल हजरत इब्राहिम ने अखां दे पट्टी बन लई मेरे हुसैन ने 72 कुर्बान कीता लेकिन अखां दे पट्टी नहीं बनी ते हुसैन दी अजमत विच शायर की कहंदा है अफजल है कुल जहान से घराना हुसैन का अफजल है कुल जहान से घराना हुसैन का नबियों का ताजदार है नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का 2 पल की हकूमत थी यजीद की दोस्तों 2 पल की हकूमत थी यजीद की ही दोस्तों सदियां हुसैन की जमाना हुसैन का सदियां हुसैन की जमाना हुसैन का आखिरी बात लोग कहते करबला में हुसैन प्यासा सी उन्हें पानी नहीं मिले हुसैन नु पानी नहीं मिलिया लोग कहंदे याद रखी पानी हुसैन नहीं मिलिया जिसको हजूर गुड़ती अपने लाबे दान की दे वो हुसैन करबला में प्यासा नहीं रह सकता समझ आई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जले इमाम हुसैन पाक की वलादत हुई ना नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जबान हुसैन पाक दे मुंह च रख दी थी आख्या ओ मेरे पुत्र हुसैन आज नाने दी जबान नु चूस ले करबला दा भी मारका तू लड़ना है तेनू कदी प्यास ना लगे साथिया आए हुसैन नहीं कहनी
हुसैन ने कोई भैड़ा काम नहीं किया। वाह हुसैन, हाय हुसैन नहीं, वाह हुसैन, वाह हुसैन कहना है। याद रखी अल्लाह दे प्यारे महबूब नू रब्बे कायनात ते पहले ही दस दिता सी कि तुहाडे नवासे ने करबला में शहीद होना है, हजूर दी पाक बरगाह में ते सैदाए कायनात हजूर दी बरगाह में हाजिर होइया ना, सरकार दी बरगाह च हाजिर होइया, एक पासे जनाबे हसन और दूए पासे जनाबे हुसैन और हजूर दी बारगाह विच सैयदा फातिमा तुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हाजिर होइया। आख्या नाना पाक ये हसन पाक हुण ये हुसैन है मेरा, हसन वड्डा है हुसैन छोटा है। नबी अलैहि सलातो सलाम ने हुसैन नू सीने लाया ते हुसैन दे लब चुम लए, हसन पाक, हसन पाक दे लब चुम ले, हुसैन पाक दी गर्दन चुम लई। सैयदाए कायनात ने अपने बाबे को पुछिया, अर्ज कीती बाबा हसन दे होठां दा बोसा ले आ जे, हुसैन दी गर्दन दा बोसा ले आ दे, इहदी वजह की है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तीए कोई गल्लां दसण वालियां नहीं होंदियां, लेकिन तीआं मापियां को पुछ लैनियां। सैयदाए कायनात नबी पाक ने फरमाया ए हसन नू मुनाफका ने जहर गुरां देनी है, उदे नाल जामे शहादत नोश कर लेंगे ते हुसैन करबला च होएगा। हुसैन करबला दे विच सर अपना तन दे नालों जुदा करवा देगा नाने दे दीन नू सलामत रखने वास्ते। दीन दी कश्ती डगमगा रही थी, उन्हों आसरा देने वाला नवासा ए रसूल है और हुसैन दी अजमत शान बड़ी है। नबी अलैहिस्सलाम दी बसीरत बेमिसाल है। आपने जिब्रील अमीन मट्टी लेके आए करबला की मट्टी और शीशी में बंद की, हजूर ये बड़ी फरमाया कि करबला की मट्टी है, जब आपका नवासा करबला में शहीद होगा ये मट्टी खून बन जाएगी। आपने और किसी बीवी को नहीं दी, उम्मे सलमा को दी रज़ी अल्लाह ताला, क्यों? और भी थी बीवियां, आपको पता था करबला के वाक़े से पहले दूसरी बीवियों ने पर्दा कर जाना है, उम्मे सलमा करबला के वाक़े के बाद तक जिंदा रहना है, इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मे सलमा को दी। उधर करबला में हुसैन शहीद हुए, उम्मे सलमा मदीने में फरमाने लगी आज हुसैन इब्ने अली शहीद हो गया। मदीने की ख्वातीन ने अर्ज की ए बीबी उम्मे सलमा तेरे को कड़ी दूरबीन लगी है? आख्या हुजूर ने मैंने मट्टी दी सी। फरमाया जले मट्टी खून हो जाएगी तो तुम्हारा नवासा शहीद हो जाएगा, शहीद करबला तेरी अजमत को सलाम है। और शायर कहता है या हुसैन दात देने कंजूसी पे करो, मैं पढ़ने कंजूसी नहीं करनी। हुसैन का जिक्र है, हुसैन सारिया का है। या हुसैन इब्ने अली तेरा जमाना याद है, या हुसैन इब्ने अली तेरा जमाना याद है, छोड़ के तैबा तेरा करबल को जाना याद है, नेजे की नोक पे तेरा कुरान सुनाना याद है, सजदे में तेरा गर्दन कटाना याद है। या हुसैन इब्ने अली
तेरा जमाना याद है गोद में अली असगर का वो तीर खाना याद है अली अकबर का वो जवानी लुटाना याद है नारे फरात पे हजरत अब्बास का नारे फरात पे हजरत अब्बास का बाजू कटाना याद है या हुसैन इब्ने अली तेरा जमाना याद है बैटरियां तुहाडियां गर्म नहीं हुई बैटरी मैं कदे चार्ज ना करा तो मैनू चिश्ती किने कहना है वो गल निस्बत लिए साबे काफ दा कुत्ता होवे ना साबे काफ दा कुत्ता ते रब कुरान च उहदे बैठने दा अंदाज भी बयान करता है नूह दा बेटा ना फरमान होवे तेरा फरमाना तेरी नस्ल विचों ही नहीं समझ आईया ओए असी निस्बत वाले लोग हां साडे पल्ले कोई नहीं लेकिन साढ़े साईं दाडे साढ़े साईं दाडे जज़ाकअल्लाह माशाल्लाह जनाब कारी जावेद शाकर साहेब सियालकोट के माशाल्लाह मशहूर और मारूफ नात खां और उनके साथी मैं सबको मोस्ट वेलकम खुश आमदेद तमाम आबाब मलिक अफजाल साहब तशरीफ लाए और आबाब माशाल्लाह ये कोटली वाले हमारे दोस्त हैं नस्बत वाले हैं माशाल्लाह ये तशरीफ लाए सबको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ खुश आमदेद और यहाँ किसी कोने में हाजी मोहम्मद तारक साहब भी बैठे हैं तलाश करके उनको जरा आगे आ जाए हाजी तारक साहब आगे आ जाए तशरीफ ले आए कारी मकसूद मकसूद साहब माशाल्लाह कादरी साहब तशरीफ लाए सबका मैं मशकूर हूँ मैं हूँ तलावत कराव लगा कारी साहब दे कोलो ते तुसी जरा कुट के नारा लाओगे ते ठीक है नहीं ते मौलवी घर लाई घंटे दो जने ना गुजार देगा फिर कहते रहे हो गए कारी साहब हूँ बस कर दो हूँ बस कर दो ते जिसले सानू जनून चढ़े असीं कहिंदे अज रांझा राजी करदा है भाई ला दा नारा मानने वाले हैं सारी दुनिया देख ले ये है सहाबाए इकराम के मानने वाले ये है अहले बैत के मानने वाले अहले सुन्नत वा जमात अहले सुन्नत वा जमात वल जमात नहीं साडे चो साईयां ने सारे वल कढाए ना वल जमात नहीं है अहले सुन्नत वा जमात अच्छा जनाब कारी मोहम्मद हमजा आतारी साहब से गुजारिश है स्टेज पे तशरीफ लाएं स्टेज की जीनत बने और अल्लाह के पाक कलाम से हमारे कुलूब व जहन को मनवर फरमाएं जनाब मोहम्मद हमजा आतारी साहब ठीक है ना साडा एक अमीर सुन्नत है लोग तबलीग का बड़ा चर्चा करते सन असी बड़े तबलीग करने वाले हैं साडा एक बाप है जिदा अमीर सुन्नत ना है उन्हें शर्म गल यूरोप दे विच भी बड़े बड़े बंदियां नूं मुसलमान कीता है जनाबे मौलाना अलियास कादरी उदा जिला आले उनके देना बड़ी दीन आप अल्लाह ताला साहब के फजल करम फरमाए कारी साहब आप खूबसूरत सी तलावत एक दो आयात की और उसके बाद आप एक नात भी दो शेर सुनाने हैं फिर बस सलाम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عزيز عليه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن
وكان الله بكل شيء عليما. يا وسبحوه بكرة وأصيلا. جزاك الله جزاك الله. يا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. جزاك الله جزاك الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. یہ تھے جناب حافظ عمدہ عطاری صاحب، اللہ تبارک و تعالی ان کے علم و فضل میں اضافہ فرمائے. آواز نو ذرا سیٹ رکھو ذرا. اب میں دعوت نعت دیتا ہوں. ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ خطیب صاحب جو ہمارے آئے ہوئے ہیں گھنٹے سے، انہوں نے کہیں اور بھی جانا ہے، تو اس لیے پانچ پانچ منٹ جی اچھا جناب قاری ظفر اقبال قادری صاحب چشتی صاحب تشریف لائے. اللہ تعالیٰ سب دے بڑا فضل و کرم فرمائے. سارے ہی ریل ہر پھول دی اپنی خوشبو لاوے تو کچھ چاج دا لاوے کملی والا خوش ہوئے کہ میرے امتی میرے عاشق دے غلام کوٹلی لوہاراں دی سرزمین دے وچ جامع تاجدار مدینہ دے اندر انہوں نے ذکر حسین دی محفل سجائی ہے اور نعرے پورے جوش لاؤ ارے تکبیر. مولوی بوندے اونچے ہاتھ کریا کرو کیونکہ ساڈے تے ذمہ داری بوندی ہے. نعرہ رسالت نعرہ حضرت صاحب کیمرہ سارے آپ سے پھیرو ذرا. نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 حیدری. جناب حاجی محمد تارک گمگولوی شاہ سے گزارش ہے کھڑی دے ٹیم تے پانچ منٹ کیونکہ خطیب صاحب آگے حاضری یہی نہیں انہیں سٹیج تے بندہ آگے پڑے حاضری کسی بے بھی گئے ہوتے حاضری. جناب حاجی محمد تارک گمگولوی صاحب سے گزارش ہے
सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब सबसे औला ला मारा नबी सबसे अपने मौला का प्यारा हमारा नबी अजमत मुस्तफा जिसके सीने में है अजमत जिसके सीने में है वो जहां भी रहे वो मदीने में है सबसे आला हो आशिकों की तो जान मदीने में है बड़ी शान वाला हमारा नबी आओ आओ गुना गारो आ जाओ तुम भूले भट कोंकार है पर मदीने में है सबसे हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती जज़ाकअल्लाह। ये थे हाजी तारक गमदौलवी साहब माशाल्लाह मस्जिद के पांच वक्त के नमाजी भी है कि मैं ना हो पीछे नमाज भी पढ़ा लेना यह भी धावन बड़ा होंगे मौलविया के काम बड़े होंगे कि जो डर गए भला हो पिछले भुगता छोड़ कह लो कह सुभान अल्लाह। हाँ जी अगे हूँ मैं नाथ शुरू कर दो त्रै त्रै मिनट काम कटाई जाइए क्योंकि पिछे जड़े ना बंदे चढ़े हुए समझ आई नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी हैदरी मेहमान जी वकार आ रहे हैं उनका इस्तकबाल आपने करना है बड़ी मोहब्बत के साथ और अकीदत के साथ पता लगे कि यार ये मोहब्बत वाले बंदे हैं अकीदत वाले बंदे हैं। जज़ाकअल्लाह माशाल्लाह अल्लाह तबारक तआला सब पे अपना फजल व करम फरमाए। बड़े दूर दूर से मेहमान आए पंजाब की सरजमीन से भी माशाल्लाह और ये उनकी मोहब्बत है और हुसैन सबका है और जिक्र हुसैन में सब आए अल्लाह तबारक तआला सब पे अपना फजल व करम फरमाए। जज़ाकअल्लाह माशाल्लाह
जज़ाकअल्लाह माशाल्लाह चौधरी मोहम्मद रफीक शाकर साहब के साहबजादे और देवी बजवार की सरजमीन से हाजी मोहम्मद मालिक साहब, सबको हम दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं और नारा लगाए लब्बैक लब्बैक लब्बैक, हाथ उठा के लब्बैक 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 लब्बैक, दोनों हाथ ऊपर हो कैमरे वाले कैमरे फिर लब्बैक लब्बैक लब्बैक, ताजदार है खत्मे नबूवत, ताजदार है खत्मे नबूवत। जज़ाकअल्लाह माशाल्लाह, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ, अल्लाह ताला सब पे अपना फजल व करम फरमाए। माशाल्लाह चौधरी मोहम्मद नवाज चेची साहब के जितने मेहमान आए हैं, उनके दोस्त अहबाब, जहाँ जहाँ से भी मेहमान आए, मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। और चौधरी रफीक शाकर साहब हमारा भी यार था, इंसान दोस्त था, और हजारों लोगों के उसने काम करवाए थे, हल्के खुदा की खिदमत की थी, जो अपनी जिंदगी में ऐसी कमाई करके चला जाए उसकी कब्र भी रोशन है, याद रखना। सिर्फ बंदे दे ऐबा अल्लाह में क्या करो, और बजवाद की सरजमीन में इतना बड़ा जनाजा, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में हाजी साहब मुझे 22 साल हो गए, कितने 22 साल, तो ये बड़े नसीबों वाले इतने जनाजे होते हैं। अल्लाह तबारक तआला सब पे अपना फजल व करम रहमत फरमाए। अगले नात खान को मैं दावत देता हूँ, जनाब अली रजा साहेब तशरीफ लाए और तिना मिनटा च अपनी हाजिरी पेश करके बस सलाम जज़ाकअल्लाह, क्योंकि खतीब साहब आए हुए थे आलम दीन नु घंटा बिठाना ये भी काम तो नहीं ना, ते बंदे ने काम ते भी जाना है, सारी रात साड़ी महफिल होती है, ठीक है ना, सवेरे अजाना तक खत्म होएगी, जिन्हें सोन वास्ते जाना है घंटा ठोका ला आवे, हाँ क्योंकि साड़ी महफिल होती है अजाना तक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तू देवा पढ़ी सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल पालो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हुसैन दी
खुदाई हुसैन दी नाना नबी बाबा अली माए फातिमा नाना नबी बाबा अली माए फातिमा होर सुतूं उते की हुसैन दी ओ रसूलों उते की बड़ाई हुसैन दी सेच आ गई करदार वांगा मदहा सराई हुसैन दी हुसैन दाए खुदाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह माशाल्लाह बड़ा सोहना अंदाज ते दूरों नाथ खान नहीं आया अपना बेटा है माशाल्लाह मल्लेदार पता चले बुलो वाले मल्ले जी नाथ खान है माशाल्लाह आई ना समझ अल्लाह सब ते फजलो करम फरमाए नकीब साहब कोई टाइम तुहाड़े कोलों नहीं लैना इंज इंज जा के रोण मुकाबला लगा मैं खतीब साहब आए होन घंटा होया उन्होंने ते तीन तीन मिनटां च बस रहना इंज माइक फड़िया ते इंज मैनू दे देता बस ए हिसाब नाल ठीक है जी कहो सुभान अल्लाह नारा हर वेरी लवाना तो नारा जनिया वाला लाना ठीक है ना नारा एक बार लाओ तो मदीने वाली सरकार सुने गुंबद खजर नाल जा टकरावे रिजवान साहब मुहब्बत नाल नारा लाओ तो फिर मदीने वाला खुश हो गया दुनियादार नाराज है तो पिया नाराज रहे सानू उस नाल कोई नहीं मदीने वाला राजी हो जा है तो नार ला जी नारा तकबीर थोड़ा जो और बाल तो नारा रिसालत तो मैं आप सो नारे रिसाल नारे रिसालत नारे हैदरी 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 जनाब मोहम्मद गुलशन अतारी साहब तीन मिनट है आपने फनकारी दिखानी है तीन मिनट में फनकारी दिखानी है आपने जी दुरूद ए पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैका या या रसूल अल्लाह पढ़िए वसलम अलैका या हबीब अल्लाह
टाइम मुख्तसर है, दो अशआर पेश करूंगा, मोहब्बत से समाअत फरमाइए जी। चिट्ठियां गम दिया नित रोज पावा कमली वाले नो जुदाई हाल जो कीते सुनावा कमली वाले नो जुदाई हाल जो कीते सुनावा कमली वाले नो मुकदर बदन तू खोल के पटिया विखावा कमली वाले नो बदन तू खोल के पटिया विखावा हमेशा यार रसूल अल्लाह पुकारे से लेना एक पल भी भुलावा कमली वाले नो मैं मर जावा जे एक पल भी भुलावा कमली वाले जज़ाकअल्लाह माशाल्लाह बड़ा सोहना अंदाज और कलाम का इंतखाब भी बड़ा सोहना क्यों सुभान अल्लाह कोई पीर साहब सानू आखिया अपने मरीद ने आखिया ओए मरीदा उठ कोई नात तो सुना वो मेरे लिए गल जी ने कहा सरकार मेरा तो आवाज ही नहीं ते पीरा ने अरशाद फरमाया असा नात सुननी है आवाज नहीं सुन भावे आवाज जेजा भी हो मंजूर हो जाए कमली वाले दी बारगाह दे विच कह सुभान अल्लाह ईमान नूं ताज़ा कर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे नारे अल्लाह ताला बड़ा जोर सलामत रखे अल्लाह ताला फजल करम फरमाए जनाब कारी मकसूद साहब तीन मिनट की हाजरी अपनी पेश करो कोई एक गल सुना जाओ जाने या अली फिर जिंदगी रही थे सुना गे मैं आना कोई साथी नाराज ना हो मेरे को तीन मिनट की हाजरी दुरूद पाक पढ़ ली सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व
وسلم عليك يا حبيب الله نبی دے منڈیاں تے چڑھ کے کھیڈے نبی دے منڈیاں تے چڑھ کے کھیڈے اجے وی پوچھنا حسین کی اے جن جنوں آندا اے محبت نہ پڑھو نبی دے منڈیاں تے چڑھ کے کھیڈے اجے وی پوچھنا حسین کی اے اجے وی پوچھنا حسین کی اے حسین توتا ہے مصطفیٰ دا حسن بائی پتر مرتضیٰ دا حسین دی ماں حسین دی ماں نبی دی تھی اجے وی پوچھنا حسین کی اے ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا اے حسین تم نے مرنے کو جینا بنا دیا اجے وی پوچھنا جزاک اللہ ماشاءاللہ ہمارے ایم پی اے صاحب بھی آیا ہم کچھ دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں آپ ہماری دلوں کی دھڑکن ہیں آپ ہمارے علاقے کی عزت ہے اور ہم اپنے علاقے کے سپوتوں کی قدر کرتے ہیں اللہ سب کو غنیمت فرمائے ہماری ایک ہی نشانی ہے ہم حضور کے غلام ہیں چاہے کسی جماعت سے ہو کسی علاقے سے ہو کسی ملک سے ہو ہماری پہچان رسول اللہ کی ذات ہے ان کے صحابہ اور اہل بیت ہیں